हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। दोस्तों हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 में आपको सीट कैसे मिलेगी, रैंक कैसे मिलेगी, कितनी रैंक वाले जो होंगे राउंड फर्स्ट में शामिल हो सकेंगे, कितनी रैंक वाले स्टूडेंट हैं जो राउंड सेकेंड में शामिल हो सकेंगे, और जो पूल काउंसलिंग होती है ये किसके लिए होती है, और पूल काउंसलिंग का क्या यूज़ होता है, पूल काउंसलिंग क्यों विशेष है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आपके लिए, आपको पहले से अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो गलती कर देते हैं और फिर उसके बाद में उनको ये इस गलती का बहुत बड़ा नुकसान होता है। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है, तो ध्यान से मैं देखिए टॉपिक वाइज सारे वीडियोज़ आप लोग को धीरे धीरे देता चल रहा हूँ, इस वजह से कि एक साथ आपको वीडियो दे पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग ये देखने वाले हैं कितनी रैंक वाले होंगे जो राउंड फर्स्ट में शामिल हो सकेंगे। ठीक है, और यहाँ पर राउंड सेकंड और पूल काउंसलिंग की भी बात करेंगे। उससे पहले हम आपको रिजल्ट को लेकर के आपको एक्सपेक्टेड समय बता चुके हैं, जो कि पहले न्यूज़ अपडेट आई हुई थी कि 9 सितंबर तक आपका जो रिजल्ट है, यानी यूपी बीएड एंट्रेंस जो 9 अगस्त को हुआ था उसका रिजल्ट आ जाएगा। उससे पहले आपका आंसर की क्वेश्चन पेपर, फिर इसके बाद में आपका ऑब्जेक्शन के बाद फाइनल आंसर की आएगी। ठीक है, ये सारे प्रोसेस होंगे। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर देखिए राउंड फर्स्ट की बात कर लेंगे। राउंड जो भी समस्या हो आप कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं जानकारी के लिए तो नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबाएं और बगल में देखिए बेल आइकन को ऑल करके प्रेस करें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए राउंड फर्स्ट की बात करेंगे। देखिए, समझिएगा, राउंड फर्स्ट में किस रैंक से लेकर के किस रैंक तक के स्टूडेंट शामिल हो सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि रैंक फर्स्ट से लेकर के 2,12,000 तक शामिल हो सकते हैं राउंड फर्स्ट में। इसके बाद में आपका राउंड सेकंड जो होगा उसमें 2,12,001 से लेकर के एंड तक के जो स्टूडेंट होंगे वो शामिल राउंड सेकेंड में हो सकते हैं। पूल काउंसलिंग का मतलब क्या है, पूल काउंसलिंग में शामिल कौन कौन हो सकता है, इसकी बाद में बात करेंगे। हम लोग यहाँ पर ये बात करेंगे कि पहले क्या होता है। भाई देखो, पहले रजिस्ट्रेशन हुआ तो रजिस्ट्रेशन में आपको जो समय यहाँ पर दिया गया, मान लीजिए कि जैसे आपका यहाँ पर डे वाइज है, सैटरडे थर्सडे को आपका रजिस्ट्रेशन और प्रेफरेंस फिलिंग विथ सक्सेसफुल पेमेंट के साथ में। तो आपने पहले यहाँ पर थर्सडे को पेमेंट रजिस्ट्रेशन किया, इसमें 3 दिन आपको मिला। ठीक है, ऐसा नहीं है एक दिन हो सकता है आपके पास समय नहीं है, आप कहीं फंसे हुए हैं या कैफ़े नहीं जा पाए, भीड़ बहुत थी, मतलब कुछ भी हो सकता है इनकेस, है ना। तो उसको लेकर के देखिए 3 दिन यहाँ पर आपको दिया गया, फिर उसके बाद 3 दिन आपको प्रेफरेंस फिलिंग फॉर रजिस्टर्ड यूज़र, जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं केवल वही इसमें रजिस्ट्रेशन वाले ही स्टूडेंट प्रेफरेंस फिलिंग कर पाएंगे। फिर इसके बाद में आप देख रहे हैं कि अलॉटमेंट जारी हो गया, यानी अलॉटमेंट जारी होने में आप देख रहे हैं कि जारी कब हुआ है, ये 3 दिन आपको मिले हैं जिसमें आपने प्रेफरेंस दिया है, कॉलेज चूज़ किया है, फिर उसके बाद में 4th दिन आपका अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया गया है। फिर उसके बाद आपको 3 दिन मिलते हैं, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। मतलब यहाँ पर तो हम लोग इस तरह से देखेंगे कि 3 दिन आपको यहाँ पर दिया गया डिसीजन मेकिंग, ऑल जो आपका फाइनल डिसीजन है कि आपको सीट फाइनल करनी है या नहीं करनी है, पेमेंट ऑफ कॉलेज फीस, जो कॉलेज फीस होगी वो आपको पेमेंट करनी होगी। एडवांस कॉलेज फीस आप पहले ही सबमिट कर चुके होंगे, 5,000 रुपये प्लस काउंसलिंग फीस से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये आपको पे करनी करनी, जो कि नॉन रिफंडेबल है, और 5,000 ये रिफंडेबल है। ठीक है, अच्छा, तो ये आपका यहाँ पर हो गया। उसके बाद में ये जो रैंक वाले स्टूडेंट हैं यहाँ पर आपका पूरा फाइनल हो जाता है। उसके बाद में आगे आपका जो प्रोसेस चलता रहता है आपको ये ध्यान रखना है, जो आप नहीं, जैसे अलॉटमेंट लेटर आप नहीं अपना गेन कर पाए, आपने सीट रिजेक्ट कर दी, जो भी आपका डिसीजन रहा उसके अकॉर्डिंग आपका जो यहाँ पर प्रोसेस होगा। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे राउंड सेकंड वाले जो स्टूडेंट हैं, जो राउंड सेकंड वाले स्टूडेंट हैं उनको क्या करना होगा। भैया पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, फीस सबमिट करनी होगी, फिर उन्हें 3 दिन का मौका मिलेगा किसका, कॉलेज फिलिंग का। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देंगे कि पिछले साल ऐसा हुआ था कि फर्स्ट
जो फर्स्ट राउंड में शामिल नहीं हो पाए थे और जो सेकंड राउंड में शामिल नहीं हो पाए थे, मतलब जैसे फर्स्ट राउंड में जो एलिजिबल स्टूडेंट है, जैसे 1 से लेकर के 2 लाख तक के बच्चे जिसमें आ रहे हैं फर्स्ट राउंड में, अगर 1 से लेकर के 2 लाख तक के बच्चे फर्स्ट राउंड वाली काउंसलिंग नहीं करा पाए हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं, छूट गए हैं किसी वजह से, नहीं ध्यान दे पाए, तो उसके लिए फिर क्या करना होगा भैया, पूल काउंसलिंग आपके लिए बनाई गई है। तो पूल काउंसलिंग में ही वही स्टूडेंट आएंगे जिनको पहली बार में कॉलेज नहीं मिला है, या तो फिर वे स्टूडेंट आएंगे जो पहली राउंड फर्स्ट काउंसलिंग जिन्होंने नहीं करवाई है, ठीक है, वो इसमें भाग नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। ये केवल राउंड सेकंड वाले स्टूडेंट जो 2,12,000 से लेकर के बाकी के स्टूडेंट होंगे वो यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपने देखा कि पूरा प्रोसेस वही रहने वाला है जैसा कि राउंड फर्स्ट में था। फिर यहाँ पर आपको सख्स पेमेंट करनी होगी, फिर अलॉटमेंट लेटर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, फिर डाउनलोड करने के बाद में आपको उसको संभाल के रख लेना है। और इसको डॉक्यूमेंट को लेकर के मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी रहता है और क्या क्या लेकर के आपको एडमिशन कॉलेज में ये अलॉटमेंट लेटर के साथ साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाने जरूरी होते हैं, ठीक है। तो पूल काउंसलिंग जो है आपका है ये एंड पे होता है, सबसे आखिरी में, और उसके बाद डायरेक्ट एडमिशन भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि पूल काउंसलिंग के बाद में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता, अगर सीट बच रही है तो डायरेक्ट एडमिशन भी होते हैं, लेकिन उसके लिए भी ऑनलाइन आपको अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में। चलिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भैया पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है और कॉलेज की जो काउंसलिंग फीस है, एडवांस कॉलेज फीस है, मतलब कुल मिला के 5,750 रुपये आपको यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर फिर वही कि आपको क्या करना है, यहाँ पर केवल वही कैंडिडेट होंगे जो या तो रिकाउंसलिंग कर रहे हैं, रिजेक्टेड कैंडिडेट हैं, और जो रजिस्टर्ड हैं, रजिस्टर्ड यूज़र ही यहाँ पर शामिल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर आपको क्या पर वही कॉलेज रेफरेंस देना है, कॉलेज रेफरेंस देने के बाद में लॉक करनी है कॉलेज, सक्सेसफुल पेमेंट करनी है, फिर यहाँ पर आपका अलॉटमेंट लेटर जारी हो जाएगा। अलॉटमेंट लेटर जैसे ही जारी हो जाता है आपका जो सीट है एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी है, वो सीट एक्सेप्टेशन एंड अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। चलिए, तो ये सारी वीडियो थी, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कैसे क्या प्रोसेस होता है, कितना समय मिलता है, पूल काउंसलिंग राउंड फर्स्ट में कौन कौन शामिल हो सकता है, किस रैंक तक के स्टूडेंट शामिल हो सकते हैं, राउंड सेकंड में किस रैंक तक के स्टूडेंट शामिल हो सकते हैं। तो वीडियो जरूर से ज़रूर लाइक करें, अगर आपको थोड़ी सी भी समझ आई है, कोई समस्या है तो कॉमेंट्स में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, आपका दिन शुभ हो।